मेरा नाम नंदलाल मास्टर है। मास्टर क्यों पढ़ा? मास्टर मतलब इसलिए लोग कहते हैं कि मैंने यहाँ काम स्टार्ट किया था बच्चों को पढ़ाने से, तो इसलिए जो है कि मुझे जो है कि मास्टर लोग कहते हैं। और मैंने भी धीरे धीरे वो टाइटल बना लिया, इसलिए कि ज़्यादातर लोग टाइटल अपना वो कास्ट लगाते हैं और मुझे कास्ट का वो टाइटल लगाना पसंद नहीं, तो इसलिए मैं अपने आगे नंदलाल मास्टर, और इसलिए अब नंदलाल के नाम से लोग कम जानते हैं, मास्टर के नाम से जो है कि ज़्यादा जानते हैं। तो यहाँ पे हमने काम जो है कि 94 से शुरू किया है आकर के। ये जो आप एरिया देख रहे हैं टोटल बनारसी साड़ी बनाने वाले एरिया है, 95% लोग जो है कि बनारसी साड़ी ही बनाते हैं। सभी लोगों के पास अपने अपने घर में वो कारखाने लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास ज़्यादा कारखाने हैं, और कुछ ऐसे गरीब परिवार भी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो जो है कि खुद के घर पे कारखाना नहीं लगाते, वो महाजनों के यहाँ जाते हैं जिनके पास 100-150 कारखाने होते हैं, उनके यहाँ वो मजदूरी करते हैं। तो मेरी पढ़ाई जो है कि मैं अपने बहन के यहाँ पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद मैं वापस आया यहाँ पे 94 में। तो हमारे खुद के जो है कि परिवार के कुछ बच्चे थे जो कि स्कूल नहीं जा रहे थे, वो बनारसी साड़ी में काम करते थे। एक मज़े की बात यह है कि जो बनारसी साड़ी बनता है इसमें बच्चे से भी काम कराया जाता है, और उसमें आप देखेंगे जो बनारसी साड़ी का जो बॉर्डर होता है वो बच्चे बैठ करके उसकी बॉर्डर कराते हैं। दूसरी खासियत यह है कि ये परंपरागत काम है, तो ये हम लोग मानते हैं कि इसमें पूरा परिवार के लोग जो है कि मिल करके काम करते हैं। वो टोटल परिवार के जो है कि लोग इसमें मिल करके, घर के महिला भी बच्चे भी सब लोग मिल करके काम करते हैं। तो 94 में मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि बच्चे जो है कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई उससे वो था नहीं। लेकिन एक दिन 3-4 बच्चे आए और बोले कि भैया मुझे शाम को थोड़ा सा पढ़ाने में हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ नाम लिखना चाहते हैं, तो आप कुछ मदद कर पाएंगे? तो हमें भी लगा कि चलिए ठीक है, मदद हम पढ़ा देंगे। तो फिर हमने वो 4 बच्चों को लेकर के वो पढ़ाने का काम शुरू किया, और धीरे धीरे उसका मैंने देखा कि 3-4 महीने के अंदर जो है कि काफ़ी करीब 70-80 बच्चे वो आने लगे, और यहाँ तक कि दूसरे गांव से भी जो है कि वो बच्चे आने लगे। तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलिए कम से कम समाज सेवा के नाम पर इतना तो हम लोग कर सकते हैं। तो फिर हमने उन बच्चों को एक स्कूल के रूप में जो है कि पूरा डेवलप किया, लेकिन दूसरे गांव से चूँकि बच्चे आ रहे थे और 70-80 बच्चे हो गए, तो अकेले मेरे साथ मैनेज करना भी हमारे लिए कोई उस तरह का बहुत दिक्कत हो रही थी, और हमारे मन में कोई उस तरह का था भी नहीं कि इसको स्कूल के रूप में देना। मैं तो अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपना घर में साड़ी का काम बना रहा था। अचानक मैं उस समय बीए कर रहा था, तो कहीं इस तरह का मन में कुछ था नहीं। हाँ, लेकिन अब चूंकि बच्चे आ गए तो मुझे भी वो ठीक नहीं लग रहा था कि स्कूल जो है कि कैसे बंद करने। तो फिर हमने गांव में नवयुवकों की तलाश करना शुरू किया, तो 2-3 साथी आए, आगे बढ़े और बोले कि ठीक है हम आपके काम में मदद करेंगे, अच्छा काम है। हम सोचती वो है ठीक है, तो हाँ 2-3 काम में जो है कि वो बोले कि हम आपके काम में मदद करेंगे। 2-3 नौजवान फिर आ गए आगे, फिर दूसरे गांव से चूँकि बच्चे आ रहे थे पढ़ने के लिए, तो ये सारे स्कूल चल रहे थे नाइट में, तो रात को 9-10 बजे दूसरे गांव में जो है कि जाना उन्हें दिक्कत हो रही थी। तो फिर वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं आप कुछ ऐसा करिए कि इसी गाँव में वो स्कूल जो है कि आप चलाएँ। तो हमें भी लगा कि ठीक है, हम कहे कि लेकिन ये तो कोई प्रॉफिट वाला है नहीं, कोई अगर नौजवान आगे आना चाहे तो जो है कि हम लोग मदद कर सकते हैं, हम लोग साथ कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पर भी नौजवानों को हम लोगों ने तलाश किया, तो कुछ लोग आए बोले कि ठीक है हम पढ़ाएंगे। तो फिर दूसरे गांव में भी हम लोगों ने शुरू किया, और वैसे करते करते वो 10 गाँव में स्कूल चल रहे लगा अपने आप जो है कि। और देखिए मतलब एक पैसा बाहरी सपोर्ट नहीं, किसी तरीके का नहीं, और अपने आप गांव के लोगों के द्वारा वो सारा स्कूल चल रहा था। और दूसरी तरफ सरकार जो है कि चाइल्ड लेबर के नाम पर करोड़ों रुपए का उपयोजक बना करके गांव में आती थी,
एक भी जो है कि स्कूल में उनके बच्चे नहीं, हाँ बल्कि कुछ एनजीओ के लोग तो आए, हम लोगों को बोले कि आपका इतना अच्छा स्कूल चल रहा है चाइल्ड लेबर के नाम पर, वो हमारे एनजीओ का आप लेबल लगा दीजिए, वो सारे पैसे आपको मिलेंगे ये करेंगे। लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हम लोग शुरू से वो स्वतंत्र चाहते थे काम करने के लिए। और तब से जो है कि हम लोगों ने वो स्कूल शुरू किया, और अब आज जो है कि करीब 10 सेंटर जो है कि चलते हैं, 2 दिन के सेंटर चलते हैं, बाकी नाइट में सेंटर चलते हैं बच्चियों के लिए जो है कि हम लोग सिलाई सेंटर का भी वो किए हैं। तो आज के डेट में जो है कि ये काम हो रहा है। फिर ये यहाँ पर जो काम हो रहा है, ये लोक समिति के नाम से जो है कि हम लोग काम करते हैं। आप भी चाहे कल पूछे कि लोक समिति क्या है, तो लोक समिति के बारे में हमने थोड़ा उनको बताया कि लोक समिति कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कि 77 में जब पूरे भारत के इतिहास में पहली बार इमरजेंसी लागू हुआ था, तो उस समय एक बड़े समाजवादी आंदोलनकारी नेता थे जयप्रकाश नारायण, तो उन्होंने जो है कि उस समय इमरजेंसी को चैलेंज, और उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के वो पार्टी में सत्ता में आई थी, तो जेपी को थोड़ा निराशा हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि हम पूरे बेरोजगारी की, महंगाई की और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है कि ये पूरे सत्ता को परिवर्तन कर दिए, लेकिन सरकारें तो बदल गई, लेकिन आज भी जो है कि परिस्थितियाँ वही हैं, वही करप्शन है, वही बेरोजगारी, थोड़ा बहुत नीतियों में चेंज हो गया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब अगर देश को जो है कि अगर डेमोक्रेसी अगर मजबूत करना है, ब्यूरोक्रेसी को हमको कम करना है, तो लोगों का जो है कि वो संगठन बनना चाहिए। तो उसी समय उन्होंने कहा कि गाँव में लोक समिति बने, जो कि कोई रिलीजन से मतलब न रखे, कोई राजनीतिक पार्टी से मतलब न रखे, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से जो है कि वो नवयुवकों का संगठन हो, गांव का अपना संगठन हो, जो कि उनके जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर के काम करें, और अपने गांव पर वो निगरानी का काम करें कि सरकार का जो पैसा आ रहा है हमारे लिए सही काम हो, सरकार अगर गलत काम कर रही है तो हम उसका विरोध करें, हम अपने स्तर से जो है कि गांव के विकास करें। तो ये जो लोक समिति है, गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज की बात कहा था, उसको जो है कि ले करके हम लोग ये काम करते हैं। तो दो तरह के काम हैं, एक रचनात्मक काम का, एक लोक समिति दो तरह से काम करती है। जो गांधी जी ने कहा था कि हमें अगर गांव को अच्छे रास्ते पर ले जाना है, तो एक तो जो है कि हम सरकार को या समाज में जहाँ भी गलत काम हो रहे हैं हम उसको रोकने का प्रयास करें, हम उसका विरोध करें, और विरोध हमें मार झगड़ा से नहीं करना है, हमें शांतिमय संघर्षों के द्वारा जो है कि उसको विरोध करना चाहिए, क्योंकि वहीं से गुलामी की जो है कि शुरुआत होती है, कि आदमी अगर विरोध किसी चीज़ का नहीं करता है और अपने विचारों को व्यक्त नहीं करता है, तो जो है कि डेमोक्रेसी हो नहीं सकती और वो सच्ची आज़ादी हो नहीं सकती। और दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें वो सरकार के ऊपर डिपेंड हो जाए, हमें अपने स्तर से भी गांव में जो है रचनात्मक काम करना चाहिए, चाहे वो गांव में सड़क नहीं बन रहा है तो हमें मिल करके सड़क बनाना चाहिए, अगर स्कूल नहीं चल रहा है तो हमें मिल करके उनको शिक्षित करना चाहिए। तो एक तरफ संघर्ष का काम और दूसरी तरफ रचना का काम, कि रचनात्मक काम को जो है कि द्वारा भी हम जो है कि गांव का विकास करना। आज दो तरह के लोग हैं, एक एनजीओ वाले हैं, वो संघर्ष की बात नहीं करते, वो रचनात्मक बात करते हैं कि जो है कि हमको 3 साल का हेल्थ पर प्रोजेक्ट मिला तो हम जो है कि वो प्रोजेक्ट चलाएंगे और उससे हमको मतलब नहीं। अभी एक मजे की बात क्राई का देखिए ये आएगा, हम उन्होंने प्रोजेक्ट बना करके दे दिया और उन्होंने लिखा कि 4 धरना जो है कि साल भर में करना है। तो फिर हमने एक दिन उनसे सवाल किया कि भाई साहब आपने उसमें लिख दिया कि 4 धरने हमको करना है, लेकिन 4 धरने आप किस पर एक दिन का धरना दिए, लेकिन हम लोगों का तो ऐसा होता नहीं, जिन मुद्दों को लेकर के करते हैं ज़रूरत पड़ता है एक महीने में ही 10 धरना हो जाता है, और एक धरना एक दिन का नहीं होता है।
उसको अगर आप मांग करती हैं तो उसको कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। हो सकता है अनिश्चितकालीन धरना हो जाए, हो सकता है 10 दिन हमको बैठना पड़े। तो ये सारे जो है कि जिस तरह की एनजीओज की आज ये है कि वो रचनात्मक बात करते हैं लेकिन संघर्ष की बात जो है कि नहीं करते हैं। और दूसरे तरफ उस तरह की पॉलिटिकल पार्टी भी कि अपना वो केवल कुर्सी के लिए वो सारे संघर्ष की बात करते हैं इस तरह का, लेकिन जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं करते। तो लोक समिति 25 गांव में यहां पर हम लोग मिल करके गांव-गांव में लोगों का 20-25 नौजवानों को छोटी छोटी समितियां बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, महिलाओं का अलग ग्रुप बनाते हैं, नवयुवकों का अलग ग्रुप बनाते हैं। फिर गाँव के जो मुद्दे हैं, गाँव के मुद्दे पर हर महीने में कम से कम एक बार हम लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके उनके गांव की समस्याएं क्या है उस पर चर्चा करना, उस पर कार्यक्रम करना। फिर महीने में एक बार मीटिंग यहां पर भी करते हैं अलग अलग गांव से जो सक्रिय साथी हैं, जो एक्टिव लोग हैं उनको बुलाना। और फिर ब्लॉक लेवल पर या कुछ इस तरह के नेशनल इश्यूज हैं जिन पर हमको सब मिल करके कुछ प्रोग्राम बनाना है तो वो हम लोग मिल करके उस तरह का वो करते हैं। तो इस तरीके से 25 गांव में हम लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करें, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, करीब 30-35 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाओं का ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और उसके बाद जो है कि राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू वर्क को लेकर के, और जो जनता के मुद्दे हैं चाहे वो किसी से मार झगड़ा कर लिए तो तुरंत पुलिस में जाना, कचहरी में जाना, तो उनको वहाँ न भेज करके गाँव में जो है कि पंचायत करना, बैठक करके उनके मुद्दे को ये करना। फिर कभी पति पत्नी का वो विवाद हो गया, पत्नी मायके चले गई, पति जो है कि यहाँ पर है। और कभी कभी तो गांव की ये स्थिति है कि पति पत्नी तो चाहते हैं लेकिन उनके जो है कि गार्जियन जो है कि उनका अपना ईगो होता है, क्योंकि यहाँ गांव में तो अभी भी उस तरह के जो दंपति होते हैं वो अपने गार्जियन पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर आमतौर पर 20 के पहले शादियाँ हो जाती है लोगों की, तो वो दोनों चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, और लेकिन कोई डायलॉग के वजह से जो है कि ना उनसे कोई संवाद, ना उनसे कोई संवाद। तो फिर हम लोग जो है कि जाते हैं पत्नी के जो है कि मायके में, क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, पति के जो है कि घर पर उनकी प्रॉब्लम्स को, फिर दोनों लोगों को जो है कि यहाँ पर बुला करके उनके उनसे बातचीत करके सुलह करके इस तरह का काम करते हैं। तो ये जो है कि यहाँ, और दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर के और पानी को मुद्दे को लेकर के। जो कोका कोला कंपनी यहाँ पर हम लोग के गांव में लगी है, 95 में कंपनी आई, इसके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसको बंद करने की मांग कर रहे हैं। बंद इसलिए, एक तो स्थानीय समस्या है जिससे कोका कोला से प्रभावित यहाँ के गांव के लोग हैं, और दूसरा हम लोग मानते हैं राष्ट्रीय मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है पानी को लेकर के, कि आज भी हम लोग ये मानते हैं कि पानी जो है कि इंसान के जीने के लिए, वो मुनाफा की चीज़ नहीं हो सकती है। और जिस दिन ये मुनाफा की चीज़ हो जाएगी तो आप देखिए ना कि सरकारी गोदामों में जो है कि अनाज जो है कि भरा पड़ा है, हर जो है कि दुकानों में जो है कि अनाज है, लेकिन आज दूसरे तरफ आप देखेंगे कि गरीब आदमी भूख से मर रहा है। वो क्यों मर रहा है? क्योंकि उसका जो है कि उस पर अधिकार नहीं। आज अनाज को जो है कि मुनाफे की चीज़ बना दिया गया, बाजार की वस्तु बना दिया गया। तो आपके पास जो है पैसा रहेगा तो आप अनाज खरीदोगे, आपके पास पैसा नहीं तो आप जो है कि अनाज नहीं खरीद। तो वही बात कल जो है पानी पर होगी कि पानी तो बाजारों में बोतल बंद दिखेगा, हाँ जिस दिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निजीकरण हो जाएगा, पानी पर कब्जा हो जाएगा, तो हम आप निश्चित जाने कि बाजारों में वो पानी तो रहेगा लेकिन हमारे पास पैसा रहेगा तो हम पानी पियेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो पानी जो है कि नहीं पिएगा। और कोका कोला तो ये अपने वो आप वो अपने वो विजन में करती है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि दुनिया के, हम जब सुबह उठते हैं तो हमें बस ये मालूम होता है कि दुनिया के 6 अरब लोग जो है ये सारे जो है कि प्यासे होंगे, हमें उनके तक पानी पहुंचाना है। जिस दिन जो है कि ये 600 करोड़ लोगों को हम पानी पहुंचा देंगे उस दिन हमारा जो है कि ये मिशन पूरा होगा। लेकिन मजे की बात देखिए, वो पानी क्यों पहुँचा रहा है? वो मुनाफा के लिए पहुँचाना चाहता है, वो इंसान की ज़रूरत के लिए जो है कि उसे बरतना है। और हमारे इलाके में तो आज भी गांव में आप चले जाइए तो पानी जो है कि सबसे पहले आप उनके, आप नहीं जानते होंगे, आपको आपके दुश्मन भी वो अगर होंगे तो भी वो पहले आपको पानी पिलाएंगे।
क्यों पिलाते हैं? क्योंकि गांव में अभी भी हम ये मानते हैं कि पानी इंसान की जरूरत के लिए, अगर हमें आपसे दोस्ती निभानी या दुश्मनी निभाना है तो आप जिंदा रहेंगे तभी ये करेंगे, तभी हम जो है कि चाहे दुश्मनी आपसे निभाएंगे या दोस्ती निभाएंगे। तो और हमारे यहाँ तो आप देखिए कि आज कितने शर्म की बात है कि हम एक जो है कि लोकतांत्रिक देश में, एक आज़ाद भारत में रह रहे हैं। इसके पहले राजा महाराजाओं का जो है कि कभी देश हुआ करता था, लेकिन दो काम जो है कि वो लोग सबसे ज़्यादा करते थे। कितना ही बड़ा अत्याचारी राजा हुआ होगा इस हिंदुस्तान का, लेकिन आप देखेंगे कि एक उसका काम होता था कि सड़क बनवाना, और सड़क पर उसने आज तक कभी टैक्स नहीं लिया। दूसरा जो है कि वो जो है कि सार्वजनिक जो है कुएं और तालाब बनवाया करता था। क्यों बनाया करता था? क्योंकि उसे भी वो मालूम था कि अगर इन पर को भी हमें गुलाम बना, इस पर भी हमें राज करना है तो इनको जिंदा रहना जरूरी है। और आप देखिए यहाँ के इलाके में कभी राजाओं का, बनारस के राजाओं का ये पूरा इलाका हुआ करता था। अभी भी जो है कि पुराने तालाब और पुराने पोखरे, पुराने कुएं जो है कि बनाए गए हैं। हाँ, लेकिन कितने उस शर्म की बात है कि आज हम कहते हैं कि हम एक देश में, आज़ाद देश में रह रहे हैं, लेकिन पानी को एक मुनाफे की वस्तु बनाए। अभी तक भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है कि पानी को जो है कि बेचने के लिए वो जो है कि ये किया जा रहा है। और ये निश्चित जाने कि आज जैसे कि सरकार जो है कि ज़मीनों को अधिग्रहित कर लेती है कि ज़मीन हमारा है लेकिन हम उस पर मकान नहीं बनवा सकते, हम उसको बेच नहीं सकते हैं, कल वही स्थिति ये हो जाएगी कि कोका कोला कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि जो है कि यहाँ के इलाके का ज़मीन के नीचे के पानी पर हमारा कब्जा होगा, आप पानी नहीं निकाल सकते हो, पानी हम निकालेंगे और भी मुफ्त में निकालेंगे और आपको बेचेंगे, आपके पास पैसा होगा तो आप पानी पियेंगे, नहीं तो आप पानी नहीं। तो ये लड़ाई कि जो पानी का जो निजीकरण कर रहा है, किया जा रहा है, और पानी जो मुनाफे की चीज़ बनाया जा रहा है, ये बहुत ही जो है कि खतरनाक चीज़ है कि पानी को कभी भी जो है कि वो मुनाफे की चीज़ नहीं बनाया जा सकता। कोका कोला कंपनी जब हम लोग यहाँ प्रदर्शन करते हैं तो कहती है कि भाई किसान के ट्यूबवेल जो है कि लगे हुए हैं उससे वाटर लेवल नहीं डाउन जा रहा है, उसका आप विरोध नहीं कर रहे हैं और हमारे जो है कि आप विरोध करते हैं, हम भी ट्यूबवेल लगाएं आप हमारा बोरवेल का क्यों विरोध करते हैं? लेकिन मज़े की बात आपको देखें कि कितना बड़ा वो, और कहता है कि ठीक कोका किसानों की ट्यूबवेल की तरह हमारा भी ट्यूबवेल, उसमें अंतर क्या है, हम क्यों इसको बंद कर रहे हैं? लेकिन देखिए ना कि किसान जो है कि उसका जो बोरवेल होता है, जो उसका मशीन होता है, 3 हॉर्स पावर से लेके अधिकतम जो है कि 7.5 हॉर्स पावर तक होता है, और इसकी कंपनी का न्यूनतम जो है कि 25 हॉर्स पावर का है ये बोरवेल इसका मशीन। और जो किसान, जब किसान को बिजली कितना मिलता है, 5 घंटे 4 घंटे, और कभी कभी हफ्तों उसको पानी, वो बिजली नहीं मिलता है। कोका कोला कंपनी यहाँ पर जो है कि वो बिजली पर डिपेंड नहीं है, वो तो पूरा जनरेटर से चलाता है, 24 घंटे चलाता है। हाँ, तो ये दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है, जब किसान जो है कि पानी कम निकालता है, जब उसको खेत की सिंचाई की जरूरत पड़ती है, जब उसको नहाने की जरूरत पड़ती है, जब उसको पानी पीने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोका कोला तो ये नहीं करता है। कोका कोला तो जो है कि वो उसको बेचना है, वो तो जो है कि वो बाजार बना रहा है, जितना अधिक बाजार होगा उसके यहाँ के पानी से कोई रिश्ता थोड़ो है, उसका रिश्ता तो जो है कि मुनाफे से है। हाँ, उसका रिश्ता यहाँ के पानी को बनाने से नहीं है, उसका रिश्ता किसी से नहीं, उसका जितना बेचेगा वो जो कि मुनाफा है वो कमाएगा। और आप जानते हैं कि जब इंसान, जब किसान जो है कि अपने खेत में वो पानी डालता है तो उसका 8-10% यूटिलाइज होता है, बाकी सारा पानी जो फिर अंडरग्राउंड वाटर लेवल में जाता है, और इसीलिए वो पानी को लेवल को बैलेंस करता है। कोका कोला कंपनी ऐसा नहीं करता, वो तो सारा का सारा पानी जो है कि बाजार में बेच रहा है, और जो भी वो कचरे और प्रदूषित पानी निकलता है वहाँ के खेतों को जो है कि नुकसान पहुँचा रहा है, वहाँ के ज़मीन को ख़राब कर रहा है, वो तो खतरनाक है। और जो सबसे बड़ा बुनियादी अंतर है कि आप देखिए ना कि कोका कोला कंपनी और एक किसान के जो है कि बोरवेल में जो सबसे बुनियादी अंतर है कि आज भी सारे किसानों के पास जो है कि बोरवेल नहीं, दूसरे किसान के पास बोरवेल जब नहीं होता है तो जिनके पास बोरवेल होता है उनसे वो पानी खरीदता है। कितने में खरीदता है? 1 घंटे की पानी की कीमत वो लेता है 10 रुपये 15 रुपये, उससे ज़्यादा वो पैसा नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उसको भी मालूम है कि हम इसको जो है कि
पानी दे रहे हैं एक अच्छी चीज के लिए, इंसान की जरूरत की चीजों को पैदा करने के लिए। अगर कल वो जो है कि उसको ये मालूम हो जाए कि हम इसको पानी नहीं देंगे तो इसका पानी, इसका फसल नहीं होगा, इसकी मजबूरी होगी हमसे खरीदना, तो कल वो भी तो 100 रुपये घंटे लगा सकता है, 500 रुपये घंटे लगा सकता है, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्योंकि आज भी हम लोग किसान वो मानता है कि जो हम 10 रुपये 15 रुपये उससे पैसा लेते हैं वो हम मुनाफा के लिए नहीं लेते हैं, बल्कि हमको बिजली का बिल देना है, हमको जो उसको जो बोरवेल लगाए उनको मेंटेनेंस करके रखना है। लेकिन कोका कोला कंपनी जब 1 घंटे पानी निकालता है, 1 लाख लीटर पानी निकालता है, तो मार्केट में जब वही देता है तो कितना फायदा होता है, 1-2 रुपये 10 रुपये नहीं, 10 लाख रुपए उसको मुनाफा मिलता है। तो एक किसान जब दूसरे किसान को पानी देता है तो 10 से 15 रुपए, और कोका कोला कंपनी जब वो देता है दूसरे इंसान को तो वो 10 लाख रुपए वसूलता है। ये है अंतर। और कोका कोला कंपनी क्या चीज इंसान की जरूरत के लिए पैदा कर, वो तो कम से कम किसान जो है कि दूसरे को दे रहा है तो उससे जो है गेहूं पैदा हो रहा है, आलू पैदा हो रहा है, सब्जी पैदा हो रहा है, जो कि इंसान की जरूरत की चीज को पैदा कर रहा है। लेकिन ये तो कुछ एक कर नहीं रहा है, इसको तो मुनाफा कमाना है। तो ये जो है कि बुनियादी लड़ाई है हम लोगों की, और इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे देश में हमको कोई चीज की इसकी जरूरत ही नहीं है। ज्यादातर लोग हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आप ग्लोबलाइजेशन के विरोध में है या आप इस तरीके का, मतलब इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनियों के। पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ये जानता हूँ कि कोई भी कंपनी, चाहे भारत की कंपनी हो या अमेरिका की कंपनी हो, अगर अमेरिका की कंपनी भी यहाँ करके इंसान की जरूरत की चीज़ें को पैदा करती है तो हम उसको विरोध नहीं मानते। हाँ, अगर वो जो है शोषण नहीं करता है किसी चीज़ को तो हम उसको गलत नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन चाहे अगर भारत की ही कंपनी क्यों ना हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी इसके पहले जो सरकार थे नीतीश कुमार, इन्होंने जो है कि रेलवे स्टेशनों पर अभी रेल का जो है कि प्रोडक्ट बनाए हैं, रेल नीर, कि अब उनको ये लग रहा है कि जो कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो मुनाफा कमा रही थी, अब जो है कि मुनाफा वो हम कमाएं, तो वही चीज जो है कि वो बोतल बंद पानी को जो 10 रुपए, हम इसका भी विरोध करते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर रेलवे स्टेशन पर पानी नहीं मिलता है तो जो है कि निःशुल्क पानी उपलब्ध कराए। ये लाखों करोड़ों रुपए परमाणु बम के नाम पर, ये सीमा सुरक्षा के नाम पर खर्च कर रही है, और इंसान के जरूरत के लिए वो क्यों नहीं जो है कि इस तरह का ये करती है। तो ये जो है कि हमारी लड़ाई है। रही स्थानीय बात, जो कोका कोला यहाँ कंपनी लगी है, 1 दिन में 25 लाख लीटर पानी यहाँ से जमीन से निकाल रही है, 40 फीट 50 फीट नीचे वाटर लेवल यहाँ का चला गया, किसानों के हैंडपम्प कुएं सब सूख रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है कि इसका विरोध कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है यहाँ के प्रदूषण का, कि इसमें बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है और प्रदूषित पानी निकलता है, तो ये तो गांव के किसानों को आए तो बताया कि भैया आप लोगों को, सारे लोगों को इसमें फर्टिलाइजर है ये अपने अपने खेतों में आप इस्तेमाल करो। बड़े पैमाने पर किसानों ने इस्तेमाल किया और उनके खेत सारे चौपट हो गए, जमीन खराब हो गई, फसल खराब हो गया। तीसरा मुद्दा जो है कि यहाँ पर ग्राम सभा की जमीन पर कोका कोला कंपनी यहाँ कब्जा किया हुआ है, और हम लोग उसको यहाँ के कोर्ट ने भी वो आदेश कर दिया है कि ग्राम सभा की ज़मीन पर से उसका जो निर्माण है वो वापस कराए, लेकिन कंपनी जो है कि कंपनियों के दबाव के कारण कोई अधिकारी उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। केवल ये यहाँ के लोग, जो सरकार जो है कि इसको सुरक्षा कर रही है, उस सरकार की भी चोरी की है। यहाँ पर 95 में एक कोका कोला कंपनी नहीं थी, एक पार्ले की कंपनी थी थिम्सअप लिम्का करके, तो 99 में कोका कोला ने इसको पूरे नेशनल लेवल पर खरीदा। तो जब इसको खरीदा तो आप जब जानते हैं कि जब कोई ज़मीन की प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होती है तो गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है उसकी ज़मीन की प्रॉपर्टी की जितनी कीमत होती है उस हिसाब से। तो कोका कोला जब खरीदा तो कहा कि भैया ये हम जो है 6.5 करोड़ में खरीद रहे हैं, और उस तरीके से गवर्नमेंट को 50 लाख का स्टाम्प ड्यूटी दिया। लेकिन बाद में जो है कि पता चला कि 31 करोड़ रुपए में इस पूरी प्रॉपर्टी को खरीदा था। तो इसके खिलाफ हमारे एक किसान थे, वो जो है कि कोर्ट में गए, कोर्ट में जो है कि इनके खिलाफ जो है कि आवाज़ उठाई, तो कोर्ट का वो डिसीजन आया कि वास्तविक रूप से इन्होंने 31 करोड़ रुपए में ये खरीदा था और 1 करोड़
50,75,000 का स्टाम्प ड्यूटी उन्होंने कम दिया था, तो कोर्ट ने उतना और उतना ही जुर्माना के रूप में कुल 3,15,00,000 रुपया जो है कि उन्हें सरकारी खजाने में जो है पैसा भरने पड़ा। और देखिए मजे की बात कि एक किसान के यहाँ यदि 10,000 रुपये जो है कि पैसा उसका बकाया रहे तो क्या करती है सरकार कि जाएगी उसको घसीट करके ले जाएगी और 13 दिन तहसील के लॉकअप में बंद कर देगी। जब तक वो पैसा देंगे नहीं तब तक वो रखेगी। और मजे की बात देखिए कि 3,15,00,000 रुपया स्टाम्प ड्यूटी चोरी किया इसने और कोर्ट ने इसके इसके खिलाफ डिसीजन भी दे दिया, इसको पैसा देने का आदेश भी कर दिया, लेकिन न तो कोई यहाँ के प्रशासन ने न तो किसी अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मीडिया में भी ये बात नहीं है। जब इसके खिलाफ हम लोगों ने पूरा आंदोलन शुरू किया, इसको मुद्दे को उठाया, तब जो है कि कंपनी को ये लगा कि अब हम चैन से नहीं, तो चली गई हाई कोर्ट में। फिर जो है कि उस पर डिसीजन आया कि आपको पैसा भरना है, आप जो है कि राहत हमें दे सकते हैं कि आप एक साथ पैसा नहीं दे सकते हैं, तो आप 3 किस्त में वो पैसा जो है कि भरिए। तो पहला किस्त 1,47,000 रुपया जो है कि इसने जमा किया और 2 किस्त देने के पहले वो सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे आर्डर ले ली, तो अभी भी वो मामला जो है कि लंबित पड़ा हुआ है। सरकार जो ग्राम सभा की जमीन है इस पर इसका कब्जा किया हुआ है, कोर्ट का डिसीजन है कि ये जमीन को खाली कर दे, लेकिन अभी भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग इसको मांग कर रहे हैं कि ये जो है कि एक गरीब आदमी का होता तो बुलडोजर चला करके जमीन उनका मकान ढहा सकते हो, लेकिन इस कंपनी के खिलाफ आप नहीं कुछ कर सकते हो। और चौथा मुद्दा है जो ये कहती है कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर आई गांव में लोगों कहा कि सब लोगों को रोजगार मिलेगा, परमानेंट सबको नौकरी हम देंगे, 75% लोग लोकली रखे जाएंगे। और आज मजे की बात है, जाइए देखिए कितने लोगों को परमानेंट नौकरी दिया, एक भी व्यक्ति को यहाँ के लोकली लोगों को परमानेंट नहीं दिया। 90 दिन से ज़्यादा जो है कि किसी को जो है काम पर नहीं रखता और उसको अपना वर्कर भी नहीं मानता है। हाँ, वो कहता है कि हमारे वर्कर नहीं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है कि सबको रखे, सब ठेकेदार जो है कि ठेकेदारी पर काम करवाते हैं और जो 50-60 परमानेंट वर्कर हैं वो सारे के सारे जो है कि बाहर से मंगाएंगे, हरियाणा से, गुड़गांव से, आपके बिहार से, वो दूसरे राज्यों से बुला करके उनसे काम। तो ये भी एकदम झूठा इसने कहा कि लोगों को नौकरी देंगे, बल्कि इस यहाँ पर आकर के जो छोटे छोटे हम लोगों के रोजगार थे, चाहे नींबू पानी बेचने वाला रहा हो धंधा, चाहे लस्सी बेचने वाला धंधा रहा हो, चाहे शरबत बेचने वाला धंधा रहा हो, चाहे फलों का जूस बेचने वाला, सब कुछ चौपट किया है, तो ये रोजगार दिया कहाँ? ये रोजगार के नाम पर लोगों को ठगा है। और जब यहाँ के मजदूरों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया कि नहीं आपने कहा था कि यार सबको हम परमानेंट देंगे तो हमको मिलना चाहिए, तो सब लोग जो मजदूरों ने काम जो है कि रोक करके धरने पर बैठ गए, 1 सप्ताह पूरी प्लांट को बंद कर दिया। लेकिन कोका कोला ने क्या किया, आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, बिहार से मजदूरों को बुलाया, पीछे से बाउंड्री तोड़वा करके सबको काम पर लगा दिया और आगे सारे धरने पर बैठे रहे। और जब वो लोग ने किया, दोनों लोगों को आपस में लड़ा करके आज भी 13 मजदूरों को जो है कि फर्जी मुकदमे में फंसाया है और उन पर वो बाउंडेशन लगाया कि आप 300 मीटर के अंदर में नहीं दिखाई दे सकते। और मजे की बात है, कई मजदूरों के 300 मीटर के अंदर उनकी जमीन है, उनके घर है, तो एक अमेरिका की कंपनी आकर के हमारे ऊपर ये आरोप कि हम अपने घर में नहीं जा सकते, हम अपने जमीन में नहीं जा सकते, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? तो ये जो है कि मुद्दे को लेकर के हम लोग इसके खिलाफ ये संघर्ष कर रहे हैं कि ये कंपनी एकदम झूठी है, इससे आम इंसान को जो है कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम ये बात कर रहे हैं बार बार, एक चीज करते हैं कि भाई आप वैसे चीज़ों को पैदा करो जिसकी ज़रूरत, भाई हमारे देश में कोका कोला की क्या ज़रूरत है? क्या जो है कि हम लोग जो है कि प्यासे तो है नहीं, सारी जगह पानी उपलब्ध है, सारे जगह जो है कि गर्मियों में उनके सारे स्थानीय जो है कि प्रोडक्ट उपलब्ध है, तो आप जो है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पिला रहे, हम चाहते भी नहीं हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये डाला जा रहा है कि आप जो है कि हमारे चीज़ों को इस्तेमाल करिए। और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि हम लोग जब इस बात को कहते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, आप इसको जो है कि मत पीजिए आप, तो कोका कोला क्या कहती कि भाई क्या इसको कहने से आप लोग नहीं पियेंगे? शराब पर भी तो लिखा होता है
कि शराब पीना हानिकारक है, सिगरेट पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग वो पीते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए ना कि एक ऐसी चीज़ है कि आज भी जो ये लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन समाज उसको अच्छा नहीं मानता है। आप शराब पियेंगे लेकिन आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है शराब पिए, आप सिगरेट पियेंगे कभी नहीं आप चाहेंगे कि जो है कि आपका बच्चा सिगरेट पिए, क्योंकि आज भी हम ये आप मानते हैं कि वो समाज उसको मान्यता नहीं देता है। तो हम कह रहे हैं कि आप इसको लिखिए, हाँ, और कोका कोला जो है कि आप कहते हैं कि फर्क नहीं, फर्क है, फर्क क्या है कि आप जो है कि जब इस चीज़ को पिलाते हो तो आप क्या कहते हो कि ये जो है कि स्टैंडर्ड है, मतलब समाज, अगर हम जो है कि अपने देसी पेय को पी रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड नहीं हैं, हाँ, हम जो है कि अगर कोका कोला पी रहे हैं तो समाज में हम स्टैंडर्ड, हमारी एक अपनी पहचान क्वालिटी है, और वो जो है कि केवल पैसे के लालच में फिल्मी सितारे, ये क्रिकेट खिलाड़ी, ये सारे मिल करके, मतलब हमारे दिमाग, मतलब कितने भावनाओं के साथ ये कर रहे हैं कि हमें तो शर्म आती है कि वो देश के लिए खेलते हैं या देश के लिए हैं या जो है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए हैं। आज भी जो है कि हम लोग उनका विरोध करते हैं कि हम ठीक है आपके खेल के प्रशंसक जरूर हैं, लेकिन कभी भी आप जो है कि हम, आप हमारे देश के जो है कि बहुत स्वाभिमानी आदमी हम तो नहीं मानते, क्योंकि आप देश को तो लुटवा रहे। आप बताओ कि कभी जीवन में जो है कि आप पेप्सी कोका कोला पीते हो, आए हम भी तो क्रिकेट देखते हैं जो है कि क्रिकेट में दो बार जो है कि वहाँ पर लंच होता है, लेकिन जब भी पीते हैं तो हम तो देखते हैं कि वही नींबू पानी पीते हैं, वही पानी पीते हैं, कभी हमने अपने जीवन में नहीं देखा कि कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स आया हो किसी खिलाड़ी को पीने के लिए। लेकिन आप हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि जो है कि चंद पैसे के लालच में जो है कि गरीब इंसानों को लूट रहे हैं कि कोका कोला हम पीते हैं इसलिए हम छक्का मारते हैं, कोका कोला हम पेप्सी कोला इसलिए पीते हैं इसलिए हम जो है कि एक्टर हो गए। तो ये जो है कि इस तरीके से, मतलब दिमाग को जो है कि कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं, कैसे हमारे आप में दिमाग में वो डाल रहे हैं कि हम इसको जो है कि अपने घर के दूध को पीते हैं तो हम समाज के वो हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हम पेप्सी और कोका कोला जैसे ही पियेंगे जो है कि हम समाज के हिस्से बन जाएंगे। तो ये हमारा विरोध है और इसलिए हम लोग इसको विरोध करते हैं। प्लांट की बात नहीं करते हैं कि मेहदीगंज का केवल प्लांट आप बंद कर दोगे हम संतुष्ट हो जाएंगे। कोका कोला तो बार बार हमसे डायलॉग करने का प्रयास कर रही है हम लोगों से कि आप मेहदीगंज की बात कर रहे हैं हम इसको बंद करने को तैयार हैं, लेकिन हमको ये गारंटी मिलनी चाहिए कि और दूसरे जगह प्लांट ये नहीं हो। हम कह रहे हैं कि हमसे वो झगड़ा ही नहीं है, हाँ, हम तो ये केवल पानी को बचाने की बात कर रहे हैं और पानी जो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए हम। और वो कहते हैं आपकी डिमांड क्या, हम कहते हैं आप कोका कोला से हमारी कोई डिमांड ही नहीं, हम अपने सरकार से डिमांड कर रहे हैं और अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। और आप प्लाचीमाड़ा का जो जजमेंट आया है उसमें देखिए बड़ी मजे की बात है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें उसने कहा है, उसने यही कहा है कि पानी जो है कि इंसानों का है और इस पर अधिकार भी इंसानों का हो सकता है, और इस पानी को जो है कि सरकार केवल एक ट्रस्टी के रूप में उसकी संरक्षण के लिए वो कर सकती है, लेकिन आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो छोड़ दीजिए, अगर कहीं सरकार भी जो है कि इस पानी को यदि वो उसको गलत इस्तेमाल कर रही है तो उसको रोकने का अधिकार इस समाज को है। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है, प्लाचीमाड़ा के हाई कोर्ट का डिसीजन है कि सरकार उसको ट्रस्टी के रूप में उसको संरक्षण कर सकती है, हाँ, क्योंकि उसको बनाने में वो सरकार की कोई भागीदारी नहीं रही, हाँ, तो उसको जो है कि वो नेचुरल चीज़ें हैं और नेचुरल चीज़ें इंसान के हाथ में होनी चाहिए, वो किसी कंपनी के हाथ में, वो किसी सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हाँ, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि चाहे गलत काम जहाँ उसका जो है कि गलत रूप से इस्तेमाल हो रहा है तो उसको जो है कि रोकने की जिम्मेदारी सरकार को है, लेकिन यदि सरकार भी इससे भी ऊपर उठ करके उसने डिसीजन दिया कि यदि सरकार भी अगर उसका गलत इस्तेमाल कर रही है तो सरकार समाज से ऊपर नहीं है, सरकार जो है कि गवर्नमेंट समाज के लिए होता है, हाँ, गवर्नमेंट के लिए समाज नहीं होता है। तो हम तो अपने राइट्स को जो है कि बात कर रहे हैं, हम उससे कोई मांग ही नहीं कर रहे हैं, और हम लोग कभी कहते भी नहीं कि जो है कि, और कितनों ही कहता है कि आप हमारी लड़ाई जो है आप हमको जो है क्यों उतार गए, हम क्यों आपको उतार गए, ये पानी हमारा है हम उसको बचा रहे हैं,
ये हमारा अधिकार है, और ये अधिकार जो है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाँ, और जिस दिन जो है कि एक सरकार अगर वो हो रही तो चैलेंज हम करेंगे। हाँ, और ये सरकार की इतनी बुरी स्थिति, चाहे नर्मदा का आंदोलन रहा हो चाहे अनिरान का, सरकार तो तुरंत उसके पक्ष में खड़ा हुआ। वो आज तक जो एक इंसान के पक्ष में कहाँ खड़ा हुआ है, वो समाज के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार इनके बूते चल रहा है। आज की जो सरकार है वो जो एक इनके पैसे से चल रहा है, ये लोग मान रहे हैं कि हमारे बूते जो है चल रहा है। और यही बात जो है कि कहा आपके इस कांग्रेस की जो है उत्तर प्रदेश के जो प्रेसिडेंट, जब हम लोग मिले तो कहे कि क्या बताएं भैया, हमको मालूम है कि मेहदीगंज वो जो है कि नुकसान पहुंचा रही है, हमें ये भी मालूम है कि पेप्सी कोका कोला देश में आकर अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि हमें जो है कि 5 साल पर कभी चुनाव हुआ करता था, अब 2-2, 3-3 साल पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हमें ये भी मालूम है कि आज के चुनाव जो है पैसे के बल पर लड़ा जा रहा है, तो पैसे के बल पर लड़ा जा रहा है तो इतना जो है कि अब तो कभी एक जमाना हुआ करता था कि राजनीति में इंसानों का विश्वास हुआ करता था, तो पैसा दे करके वो सदस्यता लिया करती थी राजनीतिक पार्टी में, आज तो वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो जो है कि वो पार्टी कोई आम इंसान से जो है कि वो पैसा इलेक्शन खड़ा नहीं कर पा रही है, और दिन पर दिन जो है चुनाव इतना महंगा होता जा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं से फंड इकट्ठा करना पड़ा, तो इसलिए हम कंपनियों से वसूलते हैं, इसलिए हम अधिकारियों से वसूलते हैं, इसलिए हम थानेदार से वसूलते हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि थानेदार पैसा लेता है, हम जानते हैं कि कोटेदार गांव का होता है जो अनाज में जो है जो गांव को देता है वो 1 रुपया बेसी लेकर के देता है, लेकिन कौन इसके खिलाफ एक्शन लेगा? हाँ, हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें अपनी सरकार बचाना है, हमें अपनी कुर्सी बचाना है। और एक अच्छी बात उन्होंने कहा कि यदि इसको कोई रोक सकता है तो एक इंसान रोक सकता है, मतलब आम समाज रोक सकता है, जो इससे इफेक्टेड लोग हैं वो इस चीज़ को रोक सकते हैं। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को देखिए ना, कि एक जो है कि गांव का जो है कि ये जो लड़का है, ये जो रंजू के मामा के जो लड़के थे, एक दिन उनके मामा से हमारी बात की, ठीक है ना, वो जो है कि यहाँ के सरकारी अस्पताल में जो है कि अकाउंटेंट है, तो एक दिन हमने उनसे बात किया, एक दिन उनके घर गए थे तो उनसे बात किया कि आपकी कितना आपका सैलरी मिलती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 12-14 हज़ार मिलता है इस महीने में, तो हमने कहा चलिए इससे तो आपका परिवार बढ़िया हो जाता है। कहा हाँ, 10-12-14 हज़ार जो है कि हमको सैलरी है, और 10-12 हज़ार महीने में ऊपरी कमाई हमको मिल जाती है। तो हमने कहा अरे 10-12 हज़ार रुपया ऊपरी कमाई, वो कैसे? कहा आपको नहीं, हमको हम अकाउंटेंट हैं, हम जो है कि सारे लोगों को वो पास करते हैं, मतलब वो जब रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम होता है कि गांव जो डॉक्टर जो है कि गांव में जाता नहीं है, जो एनम होती है वो गांव में जाती नहीं, लेकिन उसको केस दिखाना पड़ता है कि हमने जो है कि इतने बच्चों का पंजीकरण कराया, इतने लोगों का नसबंदी कराया, इतने लोगों को निरोध बांटा, इतने लोगों को जो है कि ऑपरेशन कराया, ये उन्हें महीने में जो उतना जो है कि केसेस दिखाना पड़ता है, और उतना केसेस जो है जब तक दिखाएंगे नहीं उनका रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा, उनको सैलरी मिलेगी नहीं, ठीक ना। तो वो जो है कि अब क्या करेंगे, अब वो तो जो है कि गांव में बैठते नहीं, वो अपने सरकारी अस्पताल पर बैठते नहीं, वो तो जाते ऊपरी कमाई के लिए जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टरों से उनका कॉन्टैक्ट है, प्राइवेट अस्पतालों से कॉन्टैक्ट है, वहाँ जा करके ऑपरेशन करते हैं, तो ये बात तो हमें भी मालूम है। तो ये और लेकिन उनको वो रजिस्टर मेंटेन दिखाना ही होता है, तो वो सारे फर्जी जो है झूठे जो केस दिखाते हैं, इतना हमने ऑपरेशन कराया, इतना नसबंदी कराया, इतने लोगों को जो है कि हमने निरोध दिया, इतने लोगों को पैसा देते हैं, तब जो है कि वो पैसा से जो है कि वो 10-12 हज़ार रुपये उतना हमको इकट्ठा हो जाता है। तो आप एक जो है कि गांव के एनएम की शिकायत किससे करेंगे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, जो कि खुद उसको कमीशन जाता है, आप जो एक कोटेदार जो एक सही रेट पर अनाज नहीं खुल्लम खुल्ला दे रहा है, लेकिन ये कहता है लीजिए हमारे ऊपर एक्शन, आप कहाँ जाएंगे, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के यहाँ जाएंगे, जिसको मैं खुद ही जब राशन की का उठाता हूँ तो उसको 700 रुपये कमीशन देता हूँ, आप जाइए उनके यहाँ। अब प्रधान कहता है कि आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे, जाइए कहाँ जाएंगे, वीडियो के यहाँ जाएंगे, जाइए वीडियो के यहाँ, जहाँ की अगर वो 1000 पेड़ देता है तो 1300 पर वो हमसे सिग्नेचर करवाता है पुलिस ब्लॉक के। हाँ,
वो जो भी है हाँ वो हमारे एनिमेटर से वो जो है कि शिक्षण केंद्र के संयोजन का काम देखते हैं। हाँ पूरे और आज जो है कि जो ये बात हमने झूठा कर दिया कि जो है कि आज जो है कि पैसे के खर्च करके जो वोट चुनाव लड़ा जाता है, इन्होंने हम लोगों ने काम किया और गांव लोग के लोगों ने वो जो है कि करके दिखाया। हाँ कोई विश्वास नहीं करेगा ऊपर ना। और आप देखिए कि पूरे गांव का जो है कि तस्वीर कैसे बदले जा करके वो काम कर रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हाँ ये बात हम लोगों को भी अब मालूम हो रहा है कि प्रधान कैसे एक अच्छा ईमानदार प्रधान हो, ये वीडियो काम नहीं करने देगा आपको, आप कमीशन नहीं देंगे, आपका काम रुकवाएगा, हर जगह अड़ंगा डालेगा, कहता है कि हम चिंते ही नहीं। जब ये गए उन्होंने सर्टिफिकेट लेने तो हम तो आपको पहचानते नहीं, जब उससे क्यों नहीं पहचान, क्योंकि चार बार उससे झगड़ा हो चुकी थी। अगर आप नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है प्रोजेक्ट बेस पर आप काम करिए और सारी चीज़ों को जो है कि आप 3 साल जा करके काम